ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर से अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेनी है, आधार कार्ड और पैन कार्ड दे करके यहाँ पे बाइनेंस में अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेना है, जिससे आपकी जो अर्निंग होगी वो कभी कभी लैक अर्निंग जो कभी कभी आपकी होगी वो लैक में चली जाएगी, तो उसके लिए पैन कार्ड यहाँ पे नेसेसरी होता है। इसलिए आपको यहाँ पे अपनी केवाईसी पैन कार्ड और आधार कार्ड से यहाँ पे मस्ट कंप्लीट कर लेनी है। इसके लिए आप किसी भी वीडियो देख लीजिएगा, मैं आपको आपको नहीं बताऊँगा यहाँ, बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बेसिक बेसिक बातें जो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे ये सारी यहाँ पे क्रिप्टोज यहाँ पे नीचे सारी यहाँ पे लिस्टेड है, तो उसमें आपको कोई भी क्रिप्टो यहाँ पे बाय या सेल कर सकते हैं, उसमें आपको यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, मुझे यहाँ पे डोज कॉइन यहाँ पे चाहिए होगी, तो डोज कॉइन की जो यहाँ पे कीमत है वो यहाँ पे 0.27 USD, यानी कि यहाँ पे जो सारा प्राइस है यहाँ पे डॉलर में दिखाया जाता है। डॉलर में आप चाहें तो इसको यहाँ पे दो वर्जन में अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट की बटन पे क्लिक कर देना है। अकाउंट की बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वर्जन दो ऐप में चलता है, एक होता है बाइनेंस लाइट। यदि बाइनेंस लाइट में करेंगे तो यहाँ पे ये जो ऐप है इसका इंटरफेस बहुत ही सिंपल हो जाएगा और आपके लिए समझना भी यहाँ पे आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ ये बहुत सिंपल यहाँ पे हो जाता है, तो ये बाइनेंस लाइट होता है जो कि यहाँ पे वर्जन को थोड़ा यहाँ पे लाइट कर देता है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट के बटन पर दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे वैसे ही कर लेता हूँ जैसे यहाँ पे था, तो वैसे ही कर लिया। उसके बाद यदि आप यहाँ पे USD नहीं जानते हैं तो यहाँ पे अभी से आपको INR भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेटिंग में आपको जाना है और करेंसी में यहाँ पे आपको INR सिलेक्ट कर लेना है, और जिसमें आप पेमेंट करना चाहते हैं उसे भी आप ही INR सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप कर सकते हैं, और जो अपनी लैंग्वेज यहाँ पे जिस जो आपको कंफर्टेबल हो वहाँ पे आप ही सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैक आने के बाद आप चलिए हमें बताते हैं कि कोई भी कॉइन कैसे यहाँ पे परचेज या सेल या कैसे यहाँ पे सारा कुछ किया जाता है, चलिए आपको बताते हैं। उसके बाद मान लीजिए मुझे यहाँ पे डोज कॉइन परचेज करनी है, तो डोज कॉइन की कीमत जो यहाँ पे चल रही है 0.27 डॉलर। तो डोज कॉइन मान लीजिए कोई भी कॉइन इसमें आपको परचेज करने के लिए आपको यहाँ पे अपने जो रुपए INR में जो आपके बैंक में होंगे उसको आपको सबसे पहले या तो आप USD में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो USD में जैसे ही आप कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि डॉलर में आपको रुपए को अपने कन्वर्ट करना है, तो डॉलर को कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो अपने रुपए हैं उससे उनको बदलना पड़ेगा डॉलर में। तो डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए आपको जाना है सिंपली आपको वॉलेट के सेक्शन पे। वॉलेट के सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे P2P पे जाना है। P2P पे जाने के बाद ये P2P एक ट्रेडिंग वॉलेट होता है, उसके बाद यहाँ पे P2P ट्रेडिंग पे क्लिक कर देना है। P2P ट्रेडिंग पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे को जो रुपए हैं उसको आपको डॉलर में कन्वर्ट कर लेना है। तो डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे बाय की बटन और सेल की बटन, जो भी आपको यहाँ पे डॉलर BNB BTC यहाँ पे 6 जो यहाँ पे क्रिप्टोज हैं यहाँ पे लिस्टेड हैं, इन्हीं से आपको यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे बाय करना होता है। तो सिंपली आपको कोई भी जो कॉइन है उसको बाय करने से पहले आपको कोई भी कॉइन बाय करने से पहले आपको सबसे पहले अपने रुपए को डॉलर में बदलना पड़ेगा। डॉलर से हम कोई भी कॉइन यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे P2P है, P2P के बाद यहाँ पे बाय और सेल। बाय का मतलब यहाँ पे आप खरीद सकते हैं कोई भी कॉइन USD को, और यहाँ पे BNB आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं, लेकिन जो जैसे मुझे डॉग कॉइन खरीदनी थी तो वहाँ पे उसका ऑप्शन नहीं है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे USD में अपने पैसे को सर्वप्रथम कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई भी कॉइन यहाँ पे परचेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे USD चलिए यहाँ पे बाय करते हैं। इसका थोड़ा प्रोसेस थोड़ा अलग टाइप का है, तो आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। तो बाय करते समय यहाँ पे सेल करते समय यहाँ पे सेल पे बटन पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद बाय के बटन पे यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे INR सेलेक्ट रहने, उसके बाद जो यहाँ पे आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है, यहाँ पे बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं ये सारे के सारे ट्रेडर्स यहाँ पे वेरीफाइड हैं बाइनेंस के द्वारा, पहले ही इनको वेरीफाइड कर लिया गया है यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे कोई भी फ्रॉड नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एंड के लिए आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे कोई भी बाइनेंस बाय करने से पहले आपको यहाँ पे सबसे पहले देख लेना है कि उनका जो मार्केट में कैसा है, उनका ट्रेड उन्होंने कितनी की है और कितना उन्होंने कंफर्मेशन दिया है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए पहला कोई ट्रेडर है क्रिप्टो मास्टर 47 में, जिसको नहीं जानता, तो उसके बाद यहाँ पे 487 ट्रेड्स यहाँ पे की हैं, तो यहाँ पे 90% इन्होंने कंफर्मेशन दी, यानी कि यहाँ पे जेन्यून है। और जो यहाँ पे यदि आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे इनका जो परसेंटेज लेवल है वहाँ पे गिरता जाएगा, यानी कि वो सिर्फ आपको यहाँ पे टाइम ख़राब करेंगे 30 मिनट, और आपको यहाँ पे पैसे भी नहीं मिलने वाले हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऊपर जाना है, सबसे ऊपर जो यहाँ पे होंगे आपको यहाँ पे परसेंटेज उनका देख लेना है, 90% से अबव ही आपको यहाँ पे को सेलेक्ट कर लेना है, तो वहाँ पे आपको जेन्यून और यहाँ पे 100% आपको पैसा यहाँ पे मिल जाएगा। उसके लिए यहाँ पे आपको देखना भी पड़ेगा कि यहाँ पे कितने लिमिट में आप पैसा यहाँ पे दे रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे देख लेना है। जैसे यहाँ पे 8000 के ऊपर से यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे कोई देख लेते हैं, जिसमें आपको 1000 से ऊपर मैं आपको कव कर दे यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे 1000,
उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, यदि आपको जैसे अदर कॉइन, जैसे यहाँ पे जो 6 कॉइन यहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड हैं, यदि इनमें से आपको कोई भी कॉइन नहीं खरीदना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे डॉलर में पैसे को आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे आपको यदि यहाँ पे मान लीजिए BTC खरीदना है तो यहाँ पे आप ट्रेड जैसे यहाँ पे आपको BTC, BUSD, BNB, इथेरियम, डाई, यदि आपको इसमें से कोई भी कॉइन खरीदनी है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेडर से आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो चार्ज वगैरह है USD या INR में आपको कन्वर्ट नहीं सब करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ पे 6 कॉइन जो लिस्टेड है यहाँ पे से आप खरीद सकते हैं। लेकिन यदि मुझे यहाँ पे इन 6 कॉइन में से नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डोग कॉइन, तो यहाँ पे डोग कॉइन नहीं लिस्टेड है, तो इसलिए मैं यहाँ पे USD में अपने INR को कन्वर्ट करूंगा पैसे को जो बैंक अकाउंट में है, उसके बाद यहाँ पे USD से मैं अभी कोई भी कॉइन यहाँ पे परचेज कर सकता हूँ। तो चलिए यहाँ पे ट्रेडर देख लेते हैं, कोई यहाँ पे जो यहाँ पे 100% जेन्यून हो चुके लिए 90% से एबव यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं, आपको बाय करके दिखाते हैं कि कैसे बाय किया जाता है। तो अभी आप तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक ट्रेडर मिल गया है जो कि यहाँ पे 80.84 रुपये पर डॉलर दे रहा है। यानी कि आप सोचेंगे कि यहाँ पे जो मार्केट में रेट होता है वो तो कम ही होता है, यानी कि 75 पर डॉलर INR में यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे जो ये होते हैं ये अपने मन मुताबिक यहाँ पे कर सकते हैं। 80 रुपये यहाँ पे जैसे पर डॉलर यहाँ पे ये दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको चिंता लेने की बात नहीं है। लेकिन जब आपने जो USD जो आप यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करेंगे तो वो भी आपकी उसी रेट में जाएंगी, आप भी उसको 80 रुपये में बेच सकते हैं, जबकि मार्केट रेट कुछ भी हो आप यहाँ पे उतने रुपये में आप भी बेच सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की बात नहीं, जैसे यहाँ पे 80 रुपये है, तो अभी मैं आपको सेल पे दिखा दूँ तो देख लीजिए यहाँ पे 80 रुपये पर डॉलर यहाँ पे सेल में भी दिखा रहा है, तो यानी कि जब आप बेचेंगे तो आपका सब वो मिला जुला कर यहाँ पे बराबर ही हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बाय करके दिखा देता हूँ। मेरे ट्रेडर मिल चुका है, इसके यहाँ पे 95% यहाँ पे इसका जो रिस्पांस है यहाँ पे आया है, उसके बाद यहाँ पे बाय के बटन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे कितने रुपए का ख़रीदना है वो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे ख़रीदनी है जो 1400 रुपये के यहाँ पे ख़रीदने हैं डॉलर, तो यहाँ पे देख लीजिए कितने डॉलर यहाँ पे बन रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे बन रहे हैं करीब 17 डॉलर, 17 डॉलर यहाँ पे बन रहे हैं। तो 17 डॉलर का बाय USD पे मैं क्लिक कर देता हूँ। बाय USD पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सेलर को जो यहाँ पे देख लेना है आपको पेमेंट, यहाँ पे देख लेना है इसको पेमेंट मुझे कैसे कर देना है। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी UPI ID, IMPS यानी कि बैंक अकाउंट भी इनको मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे चलिए इनको UPI ID से इनको पेमेंट कर देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे। तो यहाँ पे इसको मैसेज भी कर सकते हैं, ये तो यहाँ पे इनसे आप चैट भी कर सकते हैं, अच्छा रहेगा यदि आप इनसे चैट करते रहें ताकि यहाँ पे कैंसिल ना कर दें, तो फिर यहाँ पे अपील वाली यहाँ पे जो परिस्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है, उसके लिए यहाँ पे इनको बता दें कि हम पैसे यहाँ पे भेज रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं आई सेंडिंग, उसके बाद यहाँ पे बैंक जाना है। तो अभी देख लीजिएगा इनके जो पेमेंट मेथड है इनको आप किसी भी से भी इनको पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मुझे पेटीएम से इनको पे करने में आसानी रहेगी, इनको पे कर देते हैं। उसके बाद ये जो क्रिप्टो है उसके बाद बताता हूँ कैसे ये रिलीज करेंगे। जब मैं पे कर दूंगा तो यहाँ पे ट्रांसफर द फंड पे क्लिक कर देना है, कर दूंगा तो उसके बाद उससे पहले यदि आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो आपका पैसा डूब जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो इनको पेमेंट कर देना है, तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक बताते हैं। तो जाते हैं यहाँ पे पेटीएम पे और उनको UPI से पेमेंट यहाँ पे डन कर देते हैं। तो यहाँ पे 1400 रुपये यहाँ पे भेजे जा चुके हैं। भेजे जाने के बाद यहाँ पे आपको देख लेना है कि जो आपको ट्रांजेक्शन है उसको यहाँ पे आपको स्क्रीन शॉट एक ले लेना है, तो यहाँ पे कैप्चर इसको कर लेना है। तो यहाँ पे कैप्चर करने के बाद जाना है आपको बाइनेंस के आप सेक्शन पे, उसके बाद यहाँ पे आपको मैसेज में यहाँ पे इनको लिख देना है, इनको वही जो स्क्रीन शॉट आपने वहाँ से लिया वो यहाँ पे आपको भेज देना है कि मैंने यहाँ पे पैसे आपको भेज दिए हैं, आप अपना जो क्रिप्टो है यानी कि जो USD है वो वहाँ पे रिलीज कर दीजिएगा। तो जैसे इनको स्क्रीनशॉट भेजेंगे वैसे तो यहाँ पे नहीं करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है स्क्रीनशॉट इनको यहाँ पे जो आपने अभी लिया है इनको प्रूफ के तौर पे यहाँ पे भेज देना है ताकि यहाँ पे कंफर्मेशन अपना बैंक से कर लें। उसके बाद ये जो आपको INR डॉलर हैं वो आपको यहाँ पे रिलीज कर देंगे, आपको यहाँ पे टेंशन लेने कोई बात नहीं। जब तक ये पेमेंट यहाँ पे नहीं करते, आपको डॉलर नहीं देते हैं तब तक ये बाइनेंस अपने कब्जे में ले लेता है सारे इनके डॉलर, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत लेने की बात नहीं। यदि आपका किसी भी मामले में यहाँ पे कुछ गड़बड़ भी होता है तो यहाँ पे अपील कर सकते हैं, आपके पास यदि आपको प्रूफ है तो यहाँ पे पैसा लेकर आपको नहीं भाग पाएंगे। तो यहाँ पे सारे ट्रेडर्स यहाँ पे जेन्यून होते हैं, उनकी सारी क्रिप्टो करेंसी पहले ही होल्ड यहाँ पे कर ली जाती है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफर द फंड पे क्लिक कर देना है, ध्यान रखना है ट्रांसफर द फंड पे आपको तभी
ट्रांसफर द फंड पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ट्रांसफर नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है कि मैंने किससे पेमेंट किया, तो मैंने यूपीआई आईडी से पेमेंट कर दिया। तो अभी देखिए उनके पास, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रांसफर द फंड पे मैंने सबसे पहले तो इनको पेमेंट किया, जैसे मैंने पेमेंट कर दिया मैंने आया और ट्रांसफर द फंड पे क्लिक कर देना है। जैसे ट्रांसफर द फंड पे क्लिक किया उनके पास एक मैसेज गया होगा कि यहाँ पे उनको पेमेंट आपने कर दिया गया है, कृपया उनको देख लीजिएगा। देख लीजिए मैंने जैसे उनको पेमेंट कर दिया तो आप देख लीजिए 70 USD वहाँ पे जो रिलीज कर दिए गए हैं उन्होंने उसका कंफर्मेशन कर दिया है। तो देख लीजिए ये फ़ायदा होता है यहाँ पे ज़्यादा रिस्पांस का, तो 97% का रिस्पांस था यहाँ पे। आपको इसको पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया तो आपके 70 जो USD थे मैंने 1400 रुपये के यहाँ परचेज कर लिए। तो ऐसे यहाँ परचेज किया जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ सेल में भी किया जाता है। सेल का थोड़ा प्रोसेस यहाँ अलग टाइप का होता है। सेल में मान लीजिए आपको सेल का प्रोसेस हम किसी अदर वीडियो में बताएंगे, मैंने आज आपको बाय करने के लिए आपको बता दिया। नेक्स्ट प्रोसेस में जब मैं कभी भी सेल करूंगा तो आपको यहाँ पे सेल का भी एक वीडियो दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, रुको। उसके बाद यहाँ पे आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद जो आपके जो USD आपने अभी यहाँ पे परचेज किए हैं USD, तो यहाँ पे इसमें आ जाएंगी। इसमें BTC इक्विटी में आपको 12 से 83 रुपये यानी कि जितने के $17 यानी कि ₹1400 का परचेज किया, $17 मिले। उसका जो कीमत वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा थी, तो वहाँ पे जो पैसे बन रहे हैं $17 के वहाँ पे 1283 रुपये बन रहे हैं। जिसके बाद आपको ट्रांसफर के बटन पर क्लिक करके आपको ट्रांसफर के बटन पर क्लिक कर देना है। इसको ले जाना है ओवरव्यू में, तो वहाँ पे P2P वॉलेट से स्पॉट वॉलेट में ले जाना है। ध्यान रखना है कि P2P वॉलेट में आपको जो परचेज करते हैं सेल करते हैं वो P2P वॉलेट में आता है, उसके बाद इसको स्पॉट वॉलेट में ले जाते हैं, तभी स्पॉट वॉलेट से आप कोई भी करेंसी यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आप BTC की जगह पर यहाँ पे सेलेक्ट करना है USD, चूँकि मेरे पास USD थी। उसके बाद USD कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैक्सिमम सेलेक्ट करना है 70.23 USD। उसके बाद ट्रांसफर के बटन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आप यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओवरव्यू पे जाना है। तो P2P से आपने आप ट्रांसफर कर लिए हैं स्पॉट वॉलेट में। स्पॉट वॉलेट का मतलब होता है यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब तक आप स्पॉट वॉलेट में नहीं लाएंगे तब तक आपको कोई भी करेंसी यहाँ पे नहीं परचेज कर सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए स्पॉट वॉलेट में आप एक बार क्लिक कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख लीजिए मेरे पास डोग कॉइन ऑलरेडी थे 1818 के। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए USD अभी मैंने परचेज किया, USD मेरे पास 1346 रुपये का है। जो मैंने अभी परचेज किया वो देख लीजिए स्पॉट वॉलेट में आ गया है। स्पॉट वॉलेट में आपको ट्रांसफर कर लेना, तभी यहाँ पे आप ट्रेड करके कोई भी करेंसी यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए मुझे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे डोग कॉइन परचेज करने हैं, तो डोग कॉइन को यहाँ पे देख लेते हैं। डोग कॉइन यहाँ पे मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं डोग कॉइन। तो आपको ट्रेड के सेक्शन पे जाना है। ट्रेड के सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे डोग और USD मेरे पास ऑलरेडी सेलेक्ट है। ध्यान रखना आपको स्पॉट पे सेलेक्ट कर लेना है डोग स्लैश USD। आपको जो भी को आपको करेंसी बाय करनी है उसमें आपको बस USDT, जैसे आपको मान लीजिए डोग मुझे बाय करनी है, तो मैं यहाँ पे डोग यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। मान लीजिए आपको कोई भी करेंसी बाय करनी है तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। तो सर्च करने के बाद यहाँ पे जैसे आप सर्च करेंगे तो स्लैश USDT जिसमें आ जाए, तो यानी कि आपको USDT से कोई भी करेंसी यहाँ पे बाय कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे डोज कॉइन जो कि बाय कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 100% यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। 100% सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे जो 17.84 USD जो थी उसका मुझे यहाँ पे मिल रहा है 68 डोज कॉइन। उसके बाद यहाँ पे बाय डोग कॉइन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे बाय डोग कॉइन पे क्लिक करेंगे ऑर्डर आपको सक्सेसफुल लग जाएगा। आपके जो जो आपको करेंसी चाहिए होगी वो आपके जो आप वॉलेट है उसमें यहाँ पे जुड़ गई होगी। तो देख लीजिएगा हमारे पे जो USD थी, USD यहाँ पे देखिए माइनस हो गई, और मेरे पास जो सारा पैसा था USDT का उसका मुझे डोग कॉइन मुझे चाहिए दूसरे की जगह मुझे चाहिए थी, तो डोग कॉइन में मेरा पैसा यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इसी प्रकार से कुछ यहाँ पे क्रिप्टो